हाय गाइस, मैं हूं सुष्मिता, आपकी क्रिप्टो गाइड, और आज मैं बात करने वाली हूं सर्कुलेटिंग सप्लाई के बारे में। सर्कुलेटिंग सप्लाई उन सारे क्रिप्टो कॉइन्स की संख्या है जो कि अभी मार्केट सर्कुलेशन में है या पब्लिक के लिए अवेलेबल है। सर्कुलेटिंग सप्लाई वक्त के साथ घट या बढ़ सकता है। जैसे बिटकॉइन के केस में कॉइन की संख्या तब तक बढ़ती रहेगी जब तक वो मैक्सिमम सप्लाई यानी 21 मिलियन बिटकॉइन नहीं पहुंचता, जो कि हर 10 मिनट में एक कॉइन जनरेशन के द्वारा अचीव किया जाएगा। इस तरह कॉइन बर्न इवेंट्स के द्वारा कॉइन सर्कुलेशन से परमानेंटली घटते रहते हैं। सर्कुलेटिंग सप्लाई में वो कॉइन्स होते हैं जो पब्लिक के लिए एक्सेसिबल हों। टोटल सप्लाई उन सारे कॉइन्स की संख्या है जो अभी तक एग्जिस्ट करते हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स इशूड माइनस नंबर ऑफ कॉइन्स बर्न को टोटल सप्लाई कहा जाता है। सर्कुलेटिंग सप्लाई और पेमेंट या वॉलेट्स में मौजूद कॉइन्स को टोटल सप्लाई कहा जाता है। मैक्स सप्लाई उन सारे कॉइन्स की संख्या है जो अभी तक बने हैं या आगे फ्यूचर में कभी बनेंगे। अगर हम सर्कुलेटिंग सप्लाई को प्राइस ऑफ अ कॉइन से मल्टीप्लाई करें तो इससे मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू का पता लगाया जा सकता है। और ये था सर्कुलेटिंग सप्लाई। और ऐसे और टेक्निकल टर्म्स के बारे में जानने के लिए नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।